काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर हम लोग का चल रहा है और लास्ट क्लास हम लोग देखे थे डिग्री ऑफ फ्रीडम और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, काइनेटिक एनर्जी का किस तरह से हम लोग पार्टीशन करते हैं। उससे पहले हम लोग प्रेशर के बारे में देखे थे कि कैसे निकालते हैं, आरएमएस स्पीड देखे थे, एमपीएस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड देखे थे और जितने तरह के यहाँ पर एजम्पशंस है वो भी हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, आज हम लोग ये क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि आईआईटी 2002 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा सा आप लेक्चर को थोड़ा सा रोकिए और इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ठीक है, सोल्व करने के बाद देखिए कहाँ तक आप यहाँ इसको सोल्व कर पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर अगर आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे तभी एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाली है और अधिक प्रॉब्लम प्रैक्टिस आप कर पाएंगे, समझेंगे चीजों को। ठीक है, इसको रोकिए और थोड़ा सोल्व करने का कोशिश कीजिए। चलिए अब हम सोल्यूशन करते हैं। क्या क्वेश्चन में है कि एक क्यूबिकल बॉक्स ऑक्साइड 1 मीटर कंटेन्स हीलियम गैस एट ए प्रेशर ऑफ 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर ड्यूरिंग एन ऑब्जर्वेशन टाइम ऑफ 1 सेकेंड। सॉरी, यहाँ फुल स्टॉप। देखिए क्या दे रखा है, एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसका साइड कितना है, 1 मीटर है। तो आप भी क्या करो, एक क्यूबिकल बॉक्स बना लो और इसका साइड कितना है, ये 1 मीटर है। ठीक है, ये कितना है, 1 मीटर है और उसके अंदर कौन सा गैस है, हीलियम। यहाँ पे कौन सा गैस भरा हुआ है, हीलियम गैस भरा हुआ है। ठीक है, ये दे रखा है और उसके अंदर प्रेशर कितना है, जो जो चीज दे रखा है उसको आप नोट भी कर लो। तो प्रेशर कितना है, 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये दे रखा है और हीलियम है तो हीलियम का मोलिकुलर मास कितना होता है, 4। ठीक है, 4 ग्राम होता है हीलियम का, हम लोग लेते हैं तो 4 ग्राम इसको केजी में कन्वर्ट, ये मोलर मास है। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4 × 10⁻³ kg, ये आपका मोलर मास हो गया। एक मोल हीलियम का मास कितना होता है, 4 ग्राम। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में दे भी रखा है, हाँ दे भी रखा है लेने के लिए। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है कि ड्यूरिंग एन ऑब्जर्वेशन टाइम ऑफ 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड ऑब्जर्वेशन किया जाता है इस क्वेश्चन में, तो टाइम कितना दे रखा है, 1 सेकेंड। ठीक है, अब कह रहा है कि उस ऑब्जर्वेशन टाइम में क्या हो रहा है, तो एन एटम ट्रेवलिंग विद द आरएमएस स्पीड पैरेलल टू वन ऑफ द एज ऑफ द क्यूब वाज फॉन्ड टू मेक 500 हिट्स विद अ पार्टिकुलर वॉल विदाउट एनी कॉलिजन विथ अदर एटम्स। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक पार्टिकल गैस का एटम है और ये एटम क्या कर रहा है, मार्कर ये आपका एटम क्या कर रहा है कि एक साइड के पैरेलल ट्रेवल कर रहा है और किस स्पीड से कर रहा है, आरएमएस स्पीड से, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, और क्या कर रहा है कि एक एज से गया क्यूब के और ऐसा पाया गया है कि ये 500 हिट्स करता है इस वाल से, कितना हिट्स करता है, यहां गया, ठीक है, कॉलिजन किया और फिर यहां से वापस आ गया ये। तो 1 सेकेंड में टाइम जब 1 सेकेंड होता है तो 1 सेकेंड में कितना हिट्स करता है, 500 हिट्स यहां पे कर देता है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, यहां पे कह रहा है कि 500 हिट्स कर देता है, ये दे रखा है। अब कह रहा है टेक R इक्वल टू 25/3, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट का वैल्यू इतना लेना है और K बोल्ट्जमान कॉन्स्टेंट का वैल्यू इतना लेना है, तो बताइए कि टेम्परेचर क्या होगा गैस का। ठीक है, पूछ रहा है कि इसके अंदर गैस का टेम्परेचर कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या होगा टेम्परेचर, इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए जो चीज दे रखा है इस इंफॉर्मेशन से क्या हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, आरएमएस स्पीड, ये किस वेलोसिटी से जा रहा है, URMS क्वेश्चन में दे रखा है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। आप देखें यहां पर 1 सेकेंड अगर समय है तो 500 बार हीट करता है, तो एक बार हीट किया, देखिए यहां पर फर्स्ट टाइम हीट किया, फिर सेकेंड टाइम का हीट करेगा, ऐसे जाएगा और फिर यहां पे आएगा दूसरा हीट में, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 मीटर, 1 मीटर। देखिए यहां से हीट किया, हीट करने के बाद फिर से कब हीट करेगा, यहां जाएगा और फिर लौट के आएगा। तो अगर एक हीट करता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2 मीटर, तो यहां पर 1 सेकेंड में कितना हीट कर रहा है, 500 हीट्स कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा, 500 हीट में डिस्टेंस हो जाएगा आपका 500 × 2, समझ रहे हैं ना, 2 कैसे आया, यहां पर कितना जाएगा, 1000 मीटर। और इतना डिस्टेंस कवर करने में गैस मॉलिक्यूल्स को कितना समय लगता है, 1 सेकेंड। तो देयरफॉर URMS स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस आपका कितना दे रखा है, डिस्टेंस 1000 आ गया
और टाइम कितना है, वन है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1000 और वन, यानी कि यू आर एम एस आ जाएगा 1000 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आर एम एस का वैल्यू निकल गया, ठीक है, ये आर एम एस का वैल्यू आ गया। जब आर एम एस का वैल्यू यहाँ पे आ गया है तो क्या आप यहाँ से अब टेम्परेचर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि आर एम एस क्या होता है, यहाँ पर इस फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे ले जा रहे हैं थोड़ा, ठीक है। तो आर एम एस कितना होता है, यहाँ पे दिख रहा है ना, तो यहां भी हम लोग कर सकते हैं, अब यहां भी दिख रहा होगा, थोड़ा सा और करें, हाँ चलिए यहां पे हम लोग कर देते हैं इसको, ठीक है। तो यू आर एम एस कितना होता है, रूट अंडर 3RT बाय एम यू आर एम एस, और इसका वैल्यू कितना है, 1000, ये दे रखा है, रूट अंडर 3RT बाय एम, और इसका वैल्यू कितना आ गया है, 1000। अब यहां पर वैल्यू पुट कीजिए, 3 R के जगह पे कितना रखेंगे, 25/3, टेम्परेचर तो निकालना ही है, और m मोलर मास कितना रखेंगे, 4×10⁻³ kg, यहाँ पर 4×10⁻³ kg, और कैलकुलेशन करने के बाद जो टेम्परेचर का वैल्यू आएगा ये आ जाएगा आपको 160, ठीक है, 160 कैल्विन यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा, ए नंबर का, ठीक है, कितना आएगा, 160 कैल्विन आ जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, फर्स्ट नंबर का, ठीक है, 160 केल्विन आपका टेम्परेचर आ जाएगा, ये चीज यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है, इसको रोक के आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, हटा देते हैं इसको, अब सिंपल ये फॉर्मूला पुटेंगे सारा, आगे क्या दे रखा है, 2 में क्या दे रखा है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर एटम कितना होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक एटम का, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर एटम, एक एटम का काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, 3/2 kT, 3/2 क्यों, क्योंकि ये कौन सा, ये है मोनोएटॉमिक, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3/2 kT एवरेज, तो ये आ जाएगा 3/2, और k कितना है, k का वैल्यू तो दे रखा है, 1.38×10⁻², और टेम्परेचर कितना आ गया है, 160, इसको सॉल्व कीजिए, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 80 24, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है 3.312×10⁻²⁰ जूल, ठीक है, ये आंसर आपका आ जाएगा इसको सोल्व करने का। ऐसे नहीं लिख देना है, कई बच्चे ऐसे तो लिख देना है, इसको सोल्व करो, ठीक है, एग्जाम में सोल्व करना होगा इसको, तो प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। ये आपका सेकेंड नंबर बन गया, ठीक है। देखिए थर्ड नंबर क्या है, द टोटल मास ऑफ हीलियम इन बॉक्स, इस बॉक्स में हीलियम का टोटल मास कितना है, तो ये दोनों तो बन गया, मास निकालना है हीलियम का, तो हीलियम का जब मास निकालना है तो हीलियम का क्या दे रखा है, एक तो देखिए हीलियम है तो उसका मोलिकुलर वेट आपको पता है, और नंबर ऑफ मोल अगर पता चल जाए किसी मेथड से, अगर नंबर ऑफ मोल पता चल जाएगा तब हम ये निकाल पाएंगे कि इसका, इसके अंदर मास कितना दे रखा है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल हमको पता करना है, इसको नोट कर लीजिए। तो कितना होगा नंबर ऑफ मोल, हटा दें इसको, थर्ड नंबर, हम जानते हैं PV=nRT, ये फॉर्मूला आइडियल गैस इक्वेशन, तो प्रेशर कितना दे रखा है, 100, ठीक है, 100 प्रेशर है, वॉल्यूम कितना है, आपको दे रखा है ना कि ये बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स है, और इसका जो साइड है 1 मीटर है, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1×1×1, तो 1Q यानी Q1, तो वॉल्यूम 1 आ गया। नंबर ऑफ मोल वेट मास अपॉन मोलिकुलर मास, ठीक है, और R का वैल्यू कितना दे रखा है, 25/3×temperature कितना आ गया था, 160, और ये m के जगह हमको कितना रखना है, नंबर ऑफ मोल वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, यहां से 100 आ गया, और इक्वल टू ये मास, और ये कितना रखना है, 4×10⁻³, ये आप kg में आ गया, तो 25/3×160, अगर आप यहाँ पे 4 रखेंगे तो आंसर ग्राम में आएगा, तो यहां से आप मास को कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करने पर जो मास का वैल्यू आएगा ये आपका आ जाएगा
0.3012 ग्राम, 0.0 कितना आया है, 0.3012 ग्राम इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये मास है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि काफी चीज क्लियर हुआ है और ये 5 मार्क्स में पूछा गया था 2002 में। ठीक है, ये एडवांस पूछा था, यहाँ पर IIT हुआ करता था उस समय। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर IIT 2003 में पूछा गया है। इसको वीडियो को आप रोकिए और इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कीजिए, आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाइए कुछ। आइए अब सॉल्व करते हैं। करेक्ट, एन इंसुलेटेड कंटेनर कंटेनिंग मोनो एटॉमिक गैस ऑफ मोलर मास m। ठीक है, फिर से सॉल्यूशन में वही आएगा। क्या आएगा, आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में है मोनो एटॉमिक गैस। और इस कंटेनर की खासियत क्या है, ये कंटेनर इंसुलेटेड है, मतलब कि अगर इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो ये टेम्परेचर लीक नहीं करेगा हीट के फॉर्म में। ठीक है, इसका टेम्परेचर सराउंडिंग से लीक नहीं करेगा, ये कर रहा है। और इसका मोलर मास कितना है, m है, यानी कि इस ये जो गैस है, इस गैस में जो एक मोल का मास है वो m दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। इज मूविंग विद अ वेलोसिटी वी नॉट, और ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी नॉट वेलोसिटी से। अब तक सिर्फ क्वेश्चन को ही समझना है, लेकिन फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्वेश्चन को पहले समझें। और क्वेश्चन आपसे नहीं समझ में आ रहा है ना, तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा, चाहे आप कितना भी कुछ पढ़ लो। ठीक है, तो ये दे रखा है और कह रहा है कि कंटेनर सडनली रुक जाता है, स्टॉप कर जाता है, तो फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर, इसके टेम्परेचर का कितना चेंज होगा। अब यहां पर देखिए कि अगर इसमें मान लीजिए कि नंबर ऑफ मोल कितना है, नंबर ऑफ मोल सपोज दैट मान लेते हैं एन है, तो इसका टोटल मास कितना हो जाएगा। देखिए मोलर मास एम है, एक मोल का मास एम है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, एम इंटू एन। ठीक है, ये इसका मास आ गया एम इंटू एन। तो अभी जो है, अभी रुका हुआ नहीं है, अभी रुका हुआ ये नहीं है, चल रहा है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना है, टोटल हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम इंटू एन इंटू वी नॉट का होल स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी। और जैसे ही रुक जाएगा, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, रुकने के बाद फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो। ये आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, जीरो सॉरी हाफ इतना, और फाइनल जीरो हो जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इसी के बराबर होगा, क्योंकि पहले इसके पास काइनेटिक एनर्जी था और अब ये रुक गया है, मतलब जीरो। अब ये जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, वो किसके पास चले जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल कहता है कि एनर्जी का कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। तो जितना सारा काइनेटिक एनर्जी इसके पास है, वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी जैसे ही रुकेगा, ठीक है, तो जीरो हो जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी चल कहां जाएगा, इसके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में खपत हो जाएगा, किसके, गैसेस मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन को बढ़ाने में, गैसेस मॉलिक्यूल्स के एनर्जी को बढ़ाने में खपत हो जाएगा। तो गैसेस मॉलिक्यूल्स का एनर्जी कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मोल मॉलिक्यूल्स का कितना होता है, 3/2 nRT, यही होता है ना। गैसेस मॉलिक्यूल्स का जो वन मोल का जो एन मोल का जो एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी, वो 3/2 nRT। यहाँ पर टी क्या है, सपोज दैट कि शुरुआत में कुछ भी टेम्परेचर होगा और ये टेम्परेचर अब बढ़ गया है, इतना टेम्परेचर, ये टेम्परेचर क्या है, डेल्टा टी है, ये टेम्परेचर क्या है, डेल्टा टी, बढ़ गया है, किसकी वजह से, इसके काइनेटिक एनर्जी के रुकने की वजह से, सीज होने की वजह से इतना बढ़ गया है, ये आ गया। तो क्या ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होगा, इन दोनों को इक्वेट कीजिए और इक्वेट करके सॉल्यूशन कीजिए। यहां से जो डेल्टा टी आएगा वही क्या जाएगा, इसका टेम्परेचर कितना आ जाएगा, डेल्टा टी, इसको इक्वेट कीजिए, कितना आ जाएगा, इक्वेट कीजिए 3/2 nR डेल्टा टी इक्वल टू हाफ एम इंटू एन वी नॉट स्क्वायर, एन से एन कैंसिल, तो माने थे हम लोग, और 3/2 यहाँ से डेल्टा टी आ गया आपका, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 3 नीचे जाएगा, एम वी नॉट स्क्वायर बाई, और यहाँ से 3 आर, दिस इज द आंसर, इसका कंप्लीट आंसर, इसको नोट कर लीजिए। जल्दी देखिए इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा रोक के, आइए अब सॉल्व करते हैं इसको।
टू मोल्स ऑफ हीलियम गैस आर इन अ रबर बैलून एट 30 डिग्री सेल्सियस। एक बैलून है ठीक है, और इसमें क्या रखा हुआ है, हीलियम गैस रखा हुआ है। कितना है हीलियम गैस का, 2 मोल है, नंबर ऑफ मोल कितना है 2। और टेम्परेचर कितना दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस ठीक है। ये द बैलून इज फुल्ली एक्सपेंडेबल एंड कैन बी एज्यूम टू रिक्वायर नो एनर्जी टू इट्स एक्सपेंशन। कह रहा है कि जो बैलून है ना पूरी तरीके से आपको एक्सपेंड कर गया है, अभी एक्सपेंड नहीं करेगा और ना एनर्जी इसको नहीं लगेगा अब एक्सपेंड करने में ठीक है। ये दे रखा है, ये बैलून जो है फुल्ली एक्सपेंडेबल है, ये खुद एक्सपेंड करेगा, इसको एनर्जी की आवश्यकता नहीं है एक्सपेंड करने के लिए। द टेम्परेचर ऑफ द गैस इन द बैलून इज स्लोली चेंज्ड टू 35 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना हो गया है 35 डिग्री सेल्सियस इसका हो चुका है ठीक है, बढ़ गया। अब कह रहा है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन राइजिंग द टेम्परेचर इज नियरली। अब इतना टेम्परेचर कितना से राइज किया है ये 5 डिग्री सेल्सियस, इससे बढ़ाने के लिए कितने हीट की यहाँ पर आवश्यकता होगी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन सीधा सा ठीक है। तो देखिए टेम्परेचर है, यहां से यहां तक इसके टेम्परेचर को बढ़ाना है, तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट की आवश्यकता होती है, क्यू इक्वल टू एन सी डेल्टा टी है ना, नंबर ऑफ मोल सी डेल्टा टी। अब यहां पर सी कौन सा होगा ठीक है, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, स्लोली मूव कर रहा है, स्लोली चेंज कर रहा है इसका टेम्परेचर पहली चीज, दूसरा ये खुद एक्सपेंड कर रहा है, इसका जो एक्सपेंशन है इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम तो कॉन्स्टेंट रहेगा नहीं, लेकिन ये स्लोली क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है धीरे धीरे, मतलब इसका जो प्रेशर है इनर और आउटर प्रेशर जो है वो हमेशा लगभग एक ही जैसा रहेगा ठीक है। इसमें प्रेशर क्या होगा, हमेशा एक ही जैसा रहेगा, तो प्रेशर जब हमेशा ऑलमोस्ट एक ही जैसा रहेगा तब यहाँ पर जो हीट सप्लाई है वो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे आ जाएगा, यानी कि सीपी एन सीपी इंटू डेल्टा टी, तो ये आ जाएगा यहाँ पर क्यू का वैल्यू आ जाएगा। अब एन नंबर ऑफ मोल कितना दे रखा है 2, सीपी का वैल्यू कितना होगा, और डेल्टा टी, डेल्टा टी तो 5 है, सीपी इंटू डेल्टा टी का वैल्यू कितना कितना आ जाएगा यहाँ पर 5। अब यहाँ पर आप सीपी का वैल्यू निकालिए, तो सीपी का वैल्यू किसके बराबर होता है, हीलियम के लिए सीपी कितना होगा, तो सीपी का वैल्यू आपका हो जाएगा 5/2R के बराबर ठीक है। अब ये आया कैसे, तो सबसे पहले यहां पर देखिए इसको समझिए कि आया कैसे, दिख रहा है ना, हाँ यहां देखते हैं कि सीपी कैसे, देखिए आप जानते हैं कि सीवी इक्वल टू कितना होगा मोनोटॉमिक गैस के लिए 3/2R, सीवी का वैल्यू मोनोटॉमिक गैस के लिए 3/2R लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे, और आप जानते हैं कि सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर आता है, तो यहां पर CV क्या रख देंगे, मोनोटॉमिक गैस है ना हीलियम, इसीलिए इतना, तो यहां पर आप CV का वैल्यू कितना रखो 3/2R ठीक है। यहां पे CV का वैल्यू कितना रखना है 3/2R रखना है, और इसको इस साइड भेज देना है, ये कितना आ जाएगा R plus 3/2R, तो आ जाएगा 5/2R, तो यहां पर हम लोग क्या रख देंगे इसको 2 × 5/2 इंटू आर इंटू 5 आ गया सीपी की जगह पे। मैंने सीपी कैसे आया है, तो पहली चीज है कि सीपी इतना आया कैसे आया, ये हम लोग यहाँ पर समझे हैं, मोनोटॉमिक गैस है, सीपी का वैल्यू इतना आएगा, सीपी माइनस सीपी इक्वल टू आर होता है, सीपी रख देंगे सीपी निकल आएगा, 2 से 2 कैंसिल, और ये कितना आ गया 25 × R का वैल्यू कितना है, हाँ 8.31 दे रखा है, तो यहाँ से आ जाएगा 8.31 जूल पर मोल कैल्विन ठीक है, ये यहां पर दे रखा है, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करने पर 25/8 लगभग कितना आ जाएगा 200 और ये 25 थी लगभग 200 के आसपास, कौन सा आंसर है 208 जो ठीक है, लगभग नियरली ही यहां पर दे रखा है कि नियरली किसके बराबर होगा, तो लगभग ये 208 जूल के बराबर हो जाएगा, ये जेई 2012 का क्वेश्चन है। तो इस तरीका से क्वेश्चन को समझना पहले जरूरी है, और समझने के बाद आप अटेम्प्ट ले, अगर समझ के अटेम्प्ट लेंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा, तो इतना आ जाएगा यहाँ पर आंसर 208।